नारे की आई। कई लोगों ने कहा, जो विरोधी लोग थे उन्होंने कई बातें फैलाई अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कि बीटीपी के दो विधायक ने ये किया यही किया। उनको ये जवाब देना है आप सभी को, जब जीत के गए थे तब क्या कहते थे कि बीटीपी ना बेस विधायक के आनंद बेवा ने सीटें नहीं मड़े, कहता कि नहीं कहता। तो जो कांग्रेस के है उनको ये कहना कि बीटीपी वालों ने वो काम किया है कि अपने एक डागड़ू नहीं बनावा, डागड़ू तेने शहर खोटा रही देखा तो खोटो खजी जाए, पूरी डागड़ू पड़ी जाए कि नहीं पड़ी जाए। तो अपने सी वडी लेता ही ये खोटो खसवा करता खबर पड़ जाता बीजे खोटो तैयार रखता। तो बीटीपी ने कांग्रेस का जो डागड़ू है डागड़ू पड़वा थे कि वसाट जुगे, अगर ये नहीं चाहते तो सरकार गिर जाती। और हम ये नहीं चाहते थे कि एक जनता ने जो 5 साल की जो सरकार चुनी है वो सरकार गिरे, लोकतंत्र की हत्या हो, वो हम नहीं चाहते थे। और आप सब जन की आवाज थी, हमारी विचारधारा के सारे लोगों की एक आवाज थी कि लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए। आज इसी मंच के माध्यम से राजस्थान के जो यशस्वी मुख्यमंत्री उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज कई लोग कहते हैं कि बीटीपी ने क्या काम किया, बीटीपी ने आपको आदिवासी कहलाना सिखा दिया। और मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने पूरे राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया विश्व आदिवासी दिवस के लिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि ये है, क्योंकि आज से 3 साल पहले कोई कहने के लिए तैयार नहीं था। पिछली बार बीजेपी गवर्नमेंट में भी आदिवासी दिवस को कल्याण दिवस के रूप में मनाया, बीजेपी वालों को वनवासी से आदिवासी कहना सिखाया, ये बीटीपी ने काम किया है। आज इस कार्यक्रम में हमारे माइनॉरिटी के भी भाई आए, एससी के भी भाई आए, ओबीसी के भाई आए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमने भी हमसे भी सीएम साहब ने चर्चा की थी तो हमने बताया कि उदयपुर संभाग में सबसे बड़ा समुदाय है बिल समुदाय, और बिल समुदाय संघर्ष करता है, और इस इलाके में जितने दलित समुदाय है